एक लड़का एक बार आया, सत्य घटनाओं पर आधारित कथा, 100% सत्य घटना। एक लड़का आया, बहुत दुखी था, बोला हमारे घर वाले मुझे हर टाइम पर काम में लगाए रहते, ये काम कर, फलाना कर, ऐसा कर, वैसा कर, ये कर, वो कर, मेरी माँ ने जो बताया सारे काम किए, बाप ने जो बताया सारे काम किए, घर वालों ने जो बताया सारे काम किए, सारे काम किए, सारे काम किए, सारे काम किए, तो पढ़े कब? पढ़ाई नहीं, पढ़ा नहीं तो फिर सक्सेसफुल कहाँ से हो, नौकरी कहाँ से लगे? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? उसका भाई महाबेशरम, एक भी काम नहीं करता था, सिर्फ पढ़ता था। माँ कहती बेटा सर में दर्द है, बेशक हो मेरे को मत बता, बेटा जाके ये काम करा, बिल्कुल नहीं करके आऊ, मेरा दिमाग मत खराब करो। महाबेशरम था, एक भी काम नहीं करता था। थोड़ी सी तैयारी करी, नौकरी लग गई। नौकरी लगते ही जो महाबेशरम था, जिसको घर वाले बोलते थे कि इसने तो हमारा खून पी रखा है, इतना बेशरम है, एक भी काम नहीं करता, ऐसा वैसा ऐसा, नौकरी लगते ही इसने तुम्हारी लाज बचा दी, यही हमारे घर में हीरा है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? और फिर उसका मिठाई खिलाते हुए फोटो छप रहा है। जिसने सारे काम किए, बोला हमारे घर में तो यही बेटा एक काम का है, सार वैसा, बोला इसने हमारा दिमाग चला दिया, हमें तो बस इसी इसकी चिंता है और तो किसी की चिंता ही नहीं। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? ये हाल तो घर वालों का है, बाहर वालों का तब मैं क्या बोलूं। जो बिहेवियर तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ करते हैं, दैट इज नॉट परमानेंट। अब तुम सिंसियर हो, स्कूल से कॉलेज से शिकायत नहीं जाती है, नंबर थोड़े बहुत ठीक ठाक आ जाते हैं, तुम सिंसियर, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे को फेवर करेंगे। स्कूल से का दी शिकायत चली गई, नंबर दो चार कम आ रहे हैं, मामला गड़बड़। अब थोड़ा सा पढ़ाई, कौन बच्चा किस टाइम पर किसकी अकल खुल जाए, ज्ञान लग जाए, पढ़ने लग जाए, बात बनी।